सलाम नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। मैं फिर नए वीडियो के साथ आ गए हूँ आपके लिए पांच लफ्ज़ों को लेकर जो हमारे इथियोपिया में और इंडिया में सेम प्रोनाउंसिएशन है और अलग डिफरेंट मीनिंग। तो शुरू करते हैं आज नए वर्ड के साथ। हमारी पहली वर्ड होगी आज के लिए दिल। दिल हम सब जानते हैं हिंदी में दिल की मीनिंग हर्ट होता है और हमारे इथियोपिया में दिल की मीनिंग जीत होती है। वो जीत विक्ट्री जंग में भी हो सकती है, प्यार में भी हो सकती है, बट हमारे देश में हर जीत की लफ्ज दिल होता है। अब चलते हैं लफ्ज नंबर दो। हमारे लफ्ज नंबर दो है रात। जैसे कि हम सब जानते हैं रात हिंदी में नाइट होता है, बट हमारे इथियोपिया में रात की मीनिंग डिनर होती है। अब चलते हैं लफ्ज नंबर तीन। लफ्ज नंबर तीन है आवाज़ें। आवाज़ें हिंदी में साउंड्स होता है, बट हमारे इथियोपिया में आवाज़ें कुछ अलग है। आवाज़ें की मीनिंग है हमारे इथियोपिया में चटनी। जैसे कि हिंदी में हरी मिर्च से चटनी बनाते हैं, हमारे इथियोपिया में लाल मिर्च से जो बनाते हैं चटनी की तरह, उसको आवाज़ें कहते हैं, आवाज़ें। अब चलते हैं हमारे लफ्ज़ नंबर चार। हमारे लफ्ज़ नंबर चार है रास्ता। हिंदी में रास्ता वे होता है और इथियोपिया में रास्ता की मीनिंग अलग है। रास्ता की मीनिंग आप जानते होंगे, बॉब मार्ली जमैकन सिंगर है, उसकी हेयर स्टाइल यानी ड्रेड, उसको हमारे देश में रास्ता कहते हैं। अब चलते हैं हमारे लफ्ज़ नंबर पाँच, यानी कि हमारी आखिरी लफ्ज़ होगी आज के लिए। सो चलते हैं, देखते हैं क्या लफ्ज़ है जो आखिरी है। वो है कमर। कमर हिंदी में तो वेस्ट होता है, बट हमारी कंट्री में इथियोपिया में कमर की मीनिंग फॉर्मूला होता है, मैथ्स की फॉर्मूला, उसको हम कमर कहते हैं। अच्छा चलती हूँ दुआओं में याद रखना। आज के लिए मेरी वीडियो ये थी, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना।